जयपुर के चोमू इलाके में जीडीए प्रशासन अलग अलग जगह अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जीडीए की टीम ने 3 अवैध कॉलोनी पर जेसीबी मशीन चलाकर कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। शहर के मोरिजा रोड पुलिया के पास एक अस्पताल के पास बनी अवैध कॉलोनी पर भी जेडीए ने बुलडोजर चलाकर सड़कों को तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया। जेडीए मुख्य नियंत्रक अधिकारी धर्मेंद्र यादव के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 13 में अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। जोन अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि मोरिजा से नीमड़ी रोड पर मातेश्वरी फार्म हाउस के नाम से बसाई जा रही करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया है। सामोद रोड राघव स्कूल के पास कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया है। सामोद रोड हाईवे के पास करीब 3 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया है। मोरिजा रोड पर एक अस्पताल के पास पहले से विकसित की गई कॉलोनी को भी जेडीए प्रशासन ने तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया है।